हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन का वाइब्रेशन बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फोन में हम वाइब्रेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोन से वाइब्रेशन को कैसे बंद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बैक बटन दाबते हैं या फिर रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा फोन वाइब्रेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये वाइब्रेट कर रहा है। तो अभी इसे बंद कैसे कर सकते हैं और कहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको जाना है। ऊपर नीचे हो सकता है तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा सा आना है। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाइब्रेट ऑन टच। देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको डिसेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे डिसेबल करेंगे, जब भी आप बैक बटन या फिर बीच वाला जो होता है ये सब क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट नहीं करेगा। एक तो ये सेटिंग हो गया। उसके बाद कई बार होता है कि कॉल हमारा आता है तो उस समय भी वाइब्रेट करता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कॉल आते समय वाइब्रेट हो तो यहाँ से आप वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स को बंद कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है वाइब्रेट ऑन साइलेंट, तो साइलेंट पे आपको अगर वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो उसे भी आप बंद कर सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ से ओपन भी रहने दे सकते हैं। तो ये सेटिंग होता है इसका और यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से अपने फ़ोन के वाइब्रेशन को बंद कर सकते हैं।